मेरा नाम अश्विनी सुनील वाड़ेकर है। स्टील केस में या शॉप फ्लोर में मेरी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। मेरा नाम पूनम जाधव है। मैं एज एन ऑपरेटर लेवल पे ज्वाइन हुई थी और अभी 2017 से मैं जनरल पैकिंग लाइन हैंडल कर रही हूँ एज एन जोन लीडर। मेरा नाम सदफ मालवनकर है। स्विमिंग डिवीजन में काम करती हूँ एज ए प्रोडक्शन एसोसिएट। मेरा नाम सुनीता है। मैं अपने गांव की और स्कूल की पहली इंजीनियर भी हूँ। आई ज्वाइन स्टील केस एज अ ट्रेनी फ्रॉम शॉप फ्लोर टू राइट नाउ आई एम वर्किंग एज अ स्पेशलिस्ट प्लानर। इकोनॉमिकली आई वॉज वेरी पुअर। मैं 10th और 12th के ट्यूशंस लेती थी यहाँ पे, तो इतना मेरा होता नहीं था गुजारा। मैंने मेरा बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस किया था, तो इसका तो मैं घर पे कुछ कर नहीं सकती थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं बाहर जाके कुछ तो करूँ। स्टील केस मेरी पहली जॉब थी और उसके पहले मैं अपने घर के खेतों में काम करती थी। घर में जब एक ही आदमी कमाता है तो चलता नहीं है। मुझे ऐसा लगता था कि मैं भी कमा दूँ तो मेरे बच्चों का फ्यूचर भी अच्छा हो जाएगा। मेरे कुछ छोटे छोटे सपने थे, वो भी पूरे हो जाएंगे। पहले तो मैं हाउसवाइफ ही थी, मेरे पे सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत कम था। स्टील केस ज्वाइन किया तो तब मुझे ऐसा लगा था कि ये मुझे नहीं जमेगा। इतने सारे मशीन देखे, नए आदमी देखे, तो ऐसा लगता था कि मैं नहीं कर सकती थी। 10 ईयर्स पहले कल्चर अलग था, ओपन कल्चर नहीं था सोसाइटी का। इसकी वजह से घर वाले भी बोलते थे कि बाहर तुम आदमियों के बीच में कैसे काम करोगी, इतने दूर डिस्टेंस पे कैसे जाओगी, ये सब बातें बोलते थे। फिर बाद में बोलते थे तुम ऑफिस, घर, बच्चे, ये सब कैसे मैनेज करोगी। वैसे तो मैं घर पर साड़ी पहनती हूँ और कम स्टील केस का एक यूनिफॉर्म है जो मुझे अलाउड नहीं था। घर वाले बोल रहे थे कि लोग क्या सोचेंगे कि ये तुम्हारे घर की बहू है, वो कैसे जीन्स पहनेगी, टी शर्ट पहनेगी। तो मेरी एक छोटी बच्ची है, वो भी बोली कि मम्मी तुम मत जाओ। ये मैंने टांग के लिया था कि मुझे आगे बढ़ना है। स्टील केस ने मुझे कुछ चीज़ों में सॉल्यूशन दिया, यहाँ तक कि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज स्टील केस ने मुझे प्रोवाइड की। लेडीज़ की सिक्योरिटी देखी स्टील केस ने, जैसे कि अगर मैं ज़्यादा टाइम रुकती हूँ, 8 बजे तक रुकती हूँ, तो लेडीज़ सिक्योरिटी मुझे ड्रॉप करने आती थी डोर स्टेप तक। और लास्ट वाला तो मैंने खुद ही सॉल्यूशन निकाला, जैसे कि मुझे साड़ी पहनना कंपलसरी है घर पे, तो मैं क्या करती थी, यूनिफॉर्म मेरे बैग में रख के लेके जाती थी और वहाँ पे चेंज करती थी, वहाँ से दोबारा चेंज करके मैं रिटर्न घर पे आती थी। जब पहली बार मैंने जीन्स और टी शर्ट पहना तो घर से मुझे भी अंदर से ऐसा लग रहा था कि ये नहीं है, सही नहीं है, गलत है। 4 लोग देखेंगे मुझे तो क्या सुनाएंगे, मेरे घर वालों को भी बातें बनाएंगे। तो फिर मैंने सोचा अगर मैं नहीं आज गई तो मेरी बच्ची भी कल नहीं जा पाएगी। मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि अगर तुम करोगी तो गांव की लड़कियां और लड़कियां भी ये कर सकती है, इसलिए तुम करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इस बात में मैं बहुत खुश हूँ। स्टील केस कैपेबिलिटी पे ट्रस्ट करती है और अपॉर्चुनिटी देती है टू ग्रो इन करियर। ऑलवेज ब्रेक द बायस। जब मैंने स्टील केस ज्वाइन किया तो मुझे पता चला कि हम 5 ही लड़कियां हैं और उसके बाद एचआर के साथ हमारी मीटिंग हुई तो उन्होंने बताया कि आप 5 नहीं 500 के बराबर हो। सबको एक जैसी ट्रेनिंग होती है, सबको अपॉर्चुनिटी मिलती है। मुझे मेरा फ्यूचर ब्राइट दिखने लगा और पर्सनालिटी डेवलपमेंट हुआ। मुझे जो कम्युनिकेशन का जो प्रॉब्लम होता था, स्टेज डेयरिंग नहीं था, वो स्टेज डेयरिंग भी आए यहाँ पे। You know, I got a star employee of the year also one time, technical excellence of the year also one time. यहाँ पे जो appreciation, recognition और culture है, this is really good. मेरे स्टील केस ज्वाइन करने के 6 महीने बाद मेरे हस्बैंड ने भी ज्वाइन किया। हम दोनों अब एक साथ ऑफिस जाते हैं। जब मैंने स्टील केस ज्वाइन किया, पहली पेमेंट आई तो मेरे बच्चे के लिए मैंने साइकिल ली थी और वो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो मैंने मेरे तरफ से ली। वी वुमेन आर एन अनस्टॉपेबल फोर्स।